हेलो दोस्तों। दोस्तों, कैसे हो आप सब? हैप्पी बिलेटेड दिवाली सबको। दो चार दिन से वीडियोस नहीं बना पा रहा था, क्योंकि दो चार दिन नहीं, ज़्यादा ही दिन हो गए वीडियोस नहीं बन पा रहे थे या नहीं अपलोड हो रहे थे, क्योंकि मैं गांव गया हुआ था और उधर पे थोड़ा नेटवर्क का दिक्कत है, वीडियोस अपलोड नहीं हो पाते हैं, तो इसलिए वीडियोस बन भी नहीं पा रहे थे। और इसलिए अब वापस आ गया हूँ रीवा, तो अब वीडियोस डालेंगे। और आज ऐसे ही मैं जा रहा था मूवी देखने का, सोचा कि मेरा मन था देखने का ब्लैक एडम, तो बस उसी को देखने जा रहा था, तो सोचा कि वीडियो भी बना लेते हैं, तो बहुत दिन बाद एक वीडियो भी डल जाएगी, तो इसलिए एक छोटा सा सोचा ब्लॉग बना लूँगा। तो 8 बजे लगने वाली है मूवी समदड़िया में, रीवा के जो समदड़िया मॉल में, तो मैं निकलूँगा थोड़ी देर से, अभी करीब 7 बज रहे हैं, कुछ देर से निकलूँगा, कुछ खा पी के फिर डायरेक्ट मूवी के लिए निकल जाऊंगा। तो चलिए चलते हैं। वैसे रात का टाइम है, फ़ोन से रिकॉर्ड करने में ज़्यादा सही आता तो है नहीं, लेकिन फिर भी एक वीडियो बनाने का सोचा बहुत दिन बाद, तो सोचा देखता हूँ। और हाँ, इस बार थोड़ा एंगल भी मैं चेंज करके देख रहा हूँ कि कैसा वीडियो आता है इसमें, वही थोड़ा सा पता भी चल जाएगा कि मतलब थोड़ा ऊपर करके कैमरा इस बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसमें कैसा आता है थोड़ा एक आइडिया मिल जाएगा। और ये इस एंगल सही लगेगा तो फिर अगली बार से इसी एंगल में शूट करूँगा। और मैंने आपको बताया भी था कि मैंने एक हेलमेट ऑर्डर किया है अमेज़ॉन से, तो वो अभी आ गया है, तो मैं अब उसका भी एक रिव्यू करूँगा कि मतलब मुझे कैसा लग रहा है। मैं थोड़ा दो चार दिन से उसको यूज़ करके भी देख रहा हूँ, एक लंबे मतलब करीब 100-150 किलोमीटर के राइड पर भी जा चुका हूँ, राइड क्या घर गया हुआ था, तो वही हेलमेट यूज़ कर रहा था। तो मतलब कैसा है मैं आपको एक रिव्यू जैसा दे दूँगा अगले वीडियो में, तब अगले वीडियो में तब जब भी उसका वीडियो बना लेता हूँ। तो अभी तो चलिए देखते हैं मूवी, मतलब रिव्यूज़ अच्छे मिल रहे थे इसके, और मुझे थोड़ा मार्वल डीसी की मूवी थोड़ा सुपर हीरो वाली पसंद भी आती हैं, बहुत दिन से वेट कर रहा था इस मूवी का, तो अच्छी होगी जहाँ तक सुनने में आया है, पूरी एक्शन से भरी मूवी है। वैसे ये चेस्ट माउंट वाला सिस्टम में रिस्क बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी मेरा फ़ोन गिर गया था, टैंक के ऊपर गिरा, फिर उसके बाद जब मैंने गाड़ी खड़ी की तो नीचे गिर गया। थोड़ा ये है कि रोड पे नहीं गिरा, थोड़ा धूल मिट्टी थी वहाँ पे गिरा तो बच गया, टूटा नहीं। नहीं तो अभी अच्छे से लग जाते 4-5 हज़ार के, स्क्रीन बदलवानी पड़ती, टच बदलवाना पड़ता, रिस्क तो है। इसलिए तो मैं सोच रहा हूँ कि कैमरा ले लूँ, बजट बन जाए थोड़ा। अभी तो इस बाइक की ही इतनी किस्त आती है कि उसके बाद से कुछ सोच ही नहीं पाता हूँ। मैं सोच रहा हूँ एक अच्छी सी मुझे सेकंड हैंड कार मिलेगी तो कार का भी सोच रहा हूँ, थोड़ा बजट बन जाए फिर उसके बाद। फिर जैसे बाइक्स की वीडियोस डालता हूँ तो उसके साथ साथ कार की भी वीडियोस डालता रहूँगा पहले, लेकिन अभी तो टाइम से बाइक के वीडियोस भी नहीं डाल पा रहा हूँ। अब ठंड आ गई है, ये देखिए ग्लव्स में भूल गया, अब जब ठंड लग रही है हल्का हल्का तब फिर अगर समझ याद आ रहा है कि ग्लव्स भूल गया हूँ। ऐसे हुआ था जब मैं घर गया हुआ था तब भी मैं ग्लव्स भूल गया था, मैंने बस ख़रीद के रख लिया उसको, अभी यूज़ नहीं किया है एक बार भी, क्योंकि आदत में नहीं है तो यूज़ हो भी नहीं पा रहा है। ट्राई करूँगा कि अब वैसे भी ठंड है तो धीरे धीरे यूज़ होने ही लग जाएगा, तो पता चल जाएगा कि उसके कैसे रिव्यूज़ हैं, मतलब यूज़ करने में कैसा है। बाकी अभी बहुत रीवा में करीब हफ्ते भर बाद ही आया हूँ, तो वीडियोस मैंने सोचा था पहले कि गांव वाले भी कुछ वीडियोस बनाऊँ, लेकिन
मेरे फ़ोन की स्टोरेज भी उस टाइम पे फुल हो गई थी और मेरे लैपटॉप भी ख़राब हो गए थे, मतलब सब एक साथ ही हो गया, तो इसलिए फिर नहीं हो पाया। तो हाँ, आगे कभी बना कर डाल दूँगा। चलिए अभी थोड़ा कुछ खा पी लिया जाए, फिर चला जाए मूवीज़ के लिए। से मूवी थिएटर में ही खा लूँगा, वो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि समदरिया के समोसे, जो बड़े बड़े समोसे रहते हैं, बहुत अच्छे हैं, तो वही खा लूँगा, ज़्यादा सही रहेगा, फालतू में बाहर खाने से अच्छा। हाँ, दो ही मिलते हैं 50 रुपये के, लेकिन बड़े बड़े रहते हैं, तो ठीक है, पेट तो नहीं भरता है, लेकिन हाँ एक ठीक ठाक सा रहता है, और मतलब टेस्ट बहुत अच्छा रहता है। लेकिन हम रीवा सीधी वालों को समोसा चटनी के साथ ज़्यादा पसंद है, सॉस वॉस के साथ कहाँ मज़ा आता है खाने में, लेकिन वहाँ पे वही पाउच वाला, दो पाउच देते हैं छोटे छोटे सॉस के, बस हो गया। हम तो रीवा सीधी वाले एक्स्ट्रा चटनी लेते हैं 4 बार समोसा खाते टाइम। एक बार मैं ऐसा समोसा लेने गया तो भोपाल में, तो जब मैंने बोला कि चटनी ज़्यादा पैक कर दीजिएगा, तो वो बोलता है कि और रीवा सीधी से हैं क्या तो हमारे चर्चे दूर दूर तक हैं। लेकिन हाँ, इतना है कि जितना अच्छा समोसा आपको यहाँ रीवा सीधी में मिल जाएगा, आप कहीं भी घूम लीजिए, आपको उतना अच्छा समोसा कहीं भी नहीं मिलेगा, मतलब वो ये टेस्ट आपको मिलेगा ही नहीं, ना इतनी अच्छी आपको चटनी मिलेगी कहीं, ना इतना अच्छा समोसा मिलेगा, चाहे कितना भी महंगा दें, चाहे कितना भी अच्छा बनाएं, लेकिन ये टेस्ट का वो कंपैरिजन उसमें नहीं निकल पाता है। पानी पूरी का भी यही हाल है, बाहर आपको इतनी अच्छी पानी पूरी नहीं मिल पाएगी, महंगी है लेकिन इतनी अच्छी नहीं रहती है। मेरी बाइक वैसे अभी 2500 किलोमीटर चल चुकी है, ये 1000 बहुत जल्दी इसने क्रॉस कर दिया, मतलब 1500 के बाद ही तुरंत, मतलब एक महीने भी नहीं हुए और 1000 किलोमीटर चल गई। थोड़ा इस बार गया था घर तक, घूमने उमने चले गया था भाई लोग के साथ, तो वहीं थोड़ा घूमने गया था, सोचा था पहले वीडियो बनाऊं, बट फिर नहीं बन पाए थे। रीवा में वैसे, मतलब रीवा में क्या, कहीं भी रात में ज़्यादा अच्छा लगता है, अगर राइड करो, बाइक राइड करो तो, लेकिन जैसे जैसे अब ठंडी आ रही है तो रात में बाइक चलाने का मन कम करेगा ठंडी की वजह से। बस पहुंचने ही वाला हूं, थोड़ा सा और बचा है। ब्रेकर आता है तो ये लगता है कहीं फोन ना गिर जाए इसलिए आराम से निकालना पड़ता है। फोन गिर गया तो अब यूट्यूब से खर्च नहीं आता है, और आएगा अभी तो स्टार्टिंग में कितना ही आएगा, इतना थोड़ी आएगा कि फ़ोन ले पाऊँ। पिछली बार गया था तो पार्किंग के आगे निकल गया था, इस बार आराम से चला जाऊँगा। कहाँ खड़ी कर दूँ, यहाँ खड़ी कर देता हूँ। तो चलिए मिलते हैं मूवी थिएटर के अंदर। कोई इंटरेस्टेड ही नहीं लगता है मूवी देखने में, अभी आया था टिकट लेने तो उन्होंने बोला कि कोई है ही नहीं, तो 2-4 लोग हैं शायद, लेकिन अभी उनको भी शायद रोक के रखा हुआ था, तो कहीं चले गए हैं। अब अगर वो आते हैं 2-4 लोग तो शो लगेगा, नहीं तो मेरे अकेले के लिए लगाएंगे नहीं।
तो वापस जाना पड़ेगा, तो फिर डाउनलोड करके देखना पड़ेगा। अरे यार, थिएटर में देखने का मन था मेरा। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो दो तीन लोग तो देख रहे हैं, तो आखिर देख पाऊंगा मैं मूवी? तो चलिए अब चलते हैं, थोड़ा भी वेट करना पड़ेगा, 8 बजे से लगने वाला है शो। ये है पोस्टर लगा हुआ है यहाँ पे, तो चलिए देखते हैं कैसी है मूवी। तो बस मूवी देख के निकल है, हम निकलते हैं घर की तरफ। अच्छी मूवी थी, मज़ा आ गया देखने में। पूरा शुरू से आखिरी तक सिर्फ एक्शन ही एक्शन ही देखी। वैसे तो मैं ही लेट हूँ देखने में, लेकिन जो लोग नहीं देखे हैं तो लेट मत करिए, देख के आइए ज़रूर, मज़ा आएगा आपको। मतलब जो लोग एक्शन पसंद करते हैं मूवीज़ में, उनके लिए तो भरा हुआ है पूरा एक्शन से। तो जाइए भी मूवी देखिए, आपको भी अच्छा लगेगा। अच्छी मूवी है, मतलब मैं तो हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मैं सबको कहूँगा कि देखें ज़रूर। और पोस्ट क्रेडिट सीन के लिए ज़रूर रुकें, ये नहीं कि पहले देख के उठ जाएं, लास्ट में देखिएगा आपको ज़रूर मज़ा आएगा। अगर पहले उठ गए तो मिस कर दोगे आप। अगर आप मार्वल या डीसी की मूवीज़ देखने जाते हैं तो फिर बहुत लोगों का मैंने देखा है कि पोस्ट क्रेडिट सीन के लिए रुकते ही नहीं हैं। अरे भाई, इतनी अच्छी मूवी में आप मेन चीज़ ही मिस कर दे रहे हो। मूवी पूरी देख ली है लेकिन अगली मूवी के बारे में जानना ज़रूरी है ना, अगली मूवी क्या आने वाली है, क्या होने वाला है, तो उसके लिए पोस्ट क्रेडिट सीन ज़रूर देखें। अब तो बॉलीवुड मूवीज़ में आने लग गए, तो बहुत लोग तो उठ उठ के चले जाते हैं, जैसे आज की मूवी में भी बहुत लोग उठ के चले गए थे। तो अब इसके बाद अगली मूवी पता नहीं कब आऊँगा देखने। अगली मूवी वकांडा फॉरएवर और दृश्यम 2, ये दो मूवीज़ का मैंने सोचा है देखने के लिए। राम सेतु के लिए मैं उतना एक्साइटेड नहीं हूँ, क्योंकि उसके रिव्यूज़ भी सुनने में आए उतने अच्छे नहीं है। रीवा की गलियाँ, गलियाँ तो नहीं है रोड है, रीवा के सारी रोड्स खाली हो चुकी हैं, क्योंकि 10:30 के करीब टाइम हो रहा है। 10:30 नहीं बजे, 10:30 बजने वाले हैं, तो भीड़ भीड़ नहीं है, एकदम खाली सुनसान। ये वीडियो भी मैं शायद कल ही अपलोड कर पाऊँ, क्योंकि मेरा अभी वाईफाई चल नहीं रहा है, तो ये जब हो जाए तो फिर उसके बाद अपलोड करूँगा, वाईफाई लग जाए वापस से। मैं पहले इतना बड़ा शौकीन नहीं था थिएटर में बैठ के मूवी देखने का, पहले तो डाउनलोड करके देख लेता था, क्योंकि जिस दिन रिलीज़ होती है मूवी उसी दिन आ जाती है। लेकिन अब धीरे धीरे जॉब जब से करने लगा तो लगता है कि अच्छी जो मूवीज़ हैं, सारी नहीं, अच्छी जो मूवीज़ हैं उन्हें थिएटर में देख के जाके ही देखना चाहिए, क्योंकि उसका मज़ा थिएटर में ही है। अच्छी मूवीज़ ऐसी नहीं कि कोई सी भी मूवीज़, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मतलब उनको सिर्फ शौक होता है मूवी देखने का, तो कोई भी मूवी देखने चले जाते हैं। पर मुझे ऐसा नहीं, मैं सिर्फ अच्छी गिनी चुनी मूवीज़ जिनके रिव्यूज़ अच्छे होते हैं वही सिर्फ देखने जाता हूँ, मुझे वही पसंद भी हैं। इस बार मैंने वैसे फ्यूल पावर वाला डलाया है, मुझे ये 116 रुपये लीटर के हिसाब से पड़ा है, तो देखते हैं इसमें कितना एवरेज निकल के आता है। अगर सही निकला तो हर बार पावर वाला ही डलाया करूँगा। वैसे मेरे को लग रहा है कि पावर वाला मुझे ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि नॉर्मल का रेट ज़्यादातर जगह पे, कहीं कहीं पे, ज़्यादातर जगह पे ये 109 है, और कहीं कहीं 111 है। यहाँ MP की बात कर रहा हूँ मैं, रीवा में जहाँ रहता हूँ, सीधी में मुझे जहाँ पे मैंने पावर वाला डाला, पावर का 116 था और
नॉर्मल वाला जो है तो 106 था, तो देखता हूँ पावर का परफॉर्मेंस कैसा होता है। तो चलिए फिर, अब मैं घर भी पहुँचने वाला हूँ। इसी के साथ अब वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलती रहें। ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट आगे बनाते जाऊंगा और आपको मिलते जाएंगे। तो तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखें, राइड हार्ड राइड सेफ, जय हिंद, बाय।